बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमें रिव्यू करना है चैप्टर नंबर 13 का, जिसका नेम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 इस चैप्टर का, इस बुक का स्टार्ट था सेकंड ईयर फिजिक्स का, जिसमें आपने ये देखा कि चार्जेस होते हैं दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमने ये देखा था कि चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं उस कंडीशन पे हम कौन कौन से लॉज यूज कर सकते हैं और फिजिक्स कैसे स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 इस चैप्टर में कम्प्लीटली आपने चार्जेस को फ्लो में देखा, जब चार्जेस फ्लो में होते हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या होती है और कैसे उनकी फिजिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। इस चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में डिटेल में बेसिस ऑफ करंट को स्टडी किया। बेसिकली करंट क्या होता है, करंट चार्जेस का फ्लो होता है, इसको हम सिंबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट होता है डेल क्यू बाय डेल टी के बराबर, चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, ये होता है हमारे पास करंट। और इस बिहाफ पे हमने देखा कि करंट दरअसल दो चार्जेस की वजह से हो सकता है, या चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट, अगर चार्ज नेगेटिव है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट तब इस्टेब्लिश होता है जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस किसी किस्म की बैटरी या किसी किस्म का ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के मिलते ही चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिनको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती तब तक चार्जेस कभी भी मूव नहीं करते और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, करंट इस्टेब्लिश नहीं होता। इसीलिए हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द केस ऑफ कंडक्टर होती है 10^-3 मीटर्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक आउटर होती है जो हमने बैटरी या सेल की सूरत में अटैच की होती है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से होती है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट होती है, यानी चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जिस तरफ मूव करते हैं जिस तरफ जा रहे होते हैं उनकी वो डायरेक्शन और एक आउटर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बैटरी कनेक्ट की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल वाली, हमेशा इन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होती है। फिर हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ करंट कौन कौन से होते हैं, यानी अगर हमें करंट चाहिए चार्जेस का फ्लो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा उस कंडक्टर के अक्रॉस। पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है कि हम कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल लगा दें या बैटरी लगा दें तो इस सूरत में फ़ौरन से करंट इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी सेल्स हमारे पास प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं कि अगर हमने सेल्स लगा देंगे तो सेल्स के साथ ही हमें करंट मिल जाएगा। सेल में क्या होता है, बेसिकली एक केमिकल होता है, वो केमिकल चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कभी हम सेल्स लगाते हैं और चार्जेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सेकेंड सोर्स हमारे जहन में आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की सूरत में, यानी जनरेटर्स के थ्रू भी हम करंट को जनरेट करते हैं और जनरेटर क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। थर्ड सोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है थर्मोकपल्स की सूरत में, यानी हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लास्ट सोर्स आजकल बहुत कॉमन है, हम सोलर सेल्स यूज़ करते हैं। सोलर सेल्स क्या कर रहे होते हैं, सूरज के शुआओं को सूरज की लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा होगा कि जब कभी हम सोलर सेल्स लगाते हैं तो अगर कभी सूरज ना निकले बादल आ जाए तो सोलर सेल्स वर्क नहीं करते, उसके साथ हमें बैटरी अटैच करनी पड़ती है जो उसकी पावर को सेव कर लेती है। उसके बाद हम रात में या उस टाइम जब कभी सूरज ना निकले हम सोलर सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। यानी सोलर से निकला गया वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि हमें सन की जरूरत पड़ने वाली है और सन के साथ ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करवा रहे हैं और इस तरह से हम करंट गेन कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि करंट के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी जहाँ कहीं भी कोई भी वर्क होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो होते हैं कि यहाँ पे ये काम हुआ है, तो उस आफ्टर इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं हम कि अगर जहाँ कहीं भी करंट है, करंट हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा लेकिन अगर वो वहाँ पे उस जगह पे करंट है उसके साथ ये चीज़ें भी एसोसिएटेड होंगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे करंट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जहाँ पे करंट होगा वो चीज़ हीटअप हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि वो हीटअप है तो उसका मतलब उसमें करंट है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हम इस तरीके एग्जाम्पल ले लें, आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ
करंट, यानी उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम जैसे ही आयरन को अटैच करते हैं किसी भी स्विच के साथ तो करंट मिलता है उसको, करंट मिलते ही वो आयरन हीटअप हो जाती है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी वायर में से ओवर करंट पास कर जाए, ओवर करंट के गुजरने से वो वायर हीटअप होती है, उसके बाद वो मेल्ट हो जाती है और हम कहते हैं कि ये वायर जल गई है और ये खराब हो गई है। यानी करंट का एक मेजर इफेक्ट ये है कि वहाँ पे आप हीटिंग ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स में, जो आजकल बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिक हीटर्स, टोस्टर्स, केटल्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो पता है कि नेगेटिव चीज़ है कि करंट है तो वो हीटअप करके उस चीज़ को ख़राब कर रहा है, लेकिन हमने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। पॉजिटिविटी कैसे जनरेट की है कि हमने उससे ये चीज़ें बना ली हैं जहाँ हम उसके हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकें। फिर नेक्स्ट इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट आप इससे अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 14 में, जहां आप ये देखेंगे कि जहां कहीं कोई चार्ज होता है अगर वो रुका हुआ है तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर वो चार्ज मूव करेगा तो अपने इर्द गिर्द बाय नेचर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी जितने भी मैग्नेट्स आप ऑब्जर्व करते हैं नेचर में, या अगर हम खुद भी बनाए मैग्नेट्स, तो उसका पर्पज़ क्या होता है, वो कैसे जनरेट होते हैं कि वहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, चार्जेस मूव करते हैं तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी खासियत है कि उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर हमने देखा केमिकल इफेक्ट, यानी जहाँ कहीं भी चार्जेस फ्लो करते हैं वो केमिकली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और उसके इस केमिकल इफेक्ट को हमने इलेक्ट्रोलिसिस में स्टडी किया, जहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं एनोड और कैथोड की सूरत में। एनोड हमारे पास होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, कैथोड होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, कोई भी लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम फिल कर देते हैं, उससे हम किसी भी एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं किसी चीप मेटल पे। जैसे अक्सर हम किसी भी धातु के ऊपर सोने की लेयर कर देते हैं और उसको हम बज़ाहिर गोल्ड की सूरत में देखते हैं कि वो गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता, उसकी लेयर की गई होती है किसी भी चीप मेटल के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी कम एक्सपेंसिव धातु को यूज़ करके उसके ऊपर कोई एक्सपेंसिव मेटल की लेयर लगा दें, वो सिल्वर भी हो सकता है और वो गोल्डन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में आपने ये देखा था कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर। ये तब होगा जब कभी आप उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करें। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए हमने देखा था कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस के बढ़ते ही ओहम्स लॉ कभी भी वहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। अगर कहीं ओहम्स लॉ होल्ड कर रहा है उस मटीरियल को हम कहते हैं ओहमिक मटीरियल। ओहमिक मटीरियल में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की सूरत में ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ग्राफ डेविएट कर जाता है स्ट्रेट लाइन से, तो हम कहते हैं कि नॉन ओहमिक है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर डायोड्स में कि सिलिकॉन या जर्मेनियम हम यूज करते हैं और ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं, इसमें कभी भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। इसके अलावा फिलामेंट बल्ब, जो आम पुराने ज़माने के बल्ब होते थे येलो कलर के, वो आपने देखा होगा कि अगर वो काफ़ी देर जलते रहें तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह ये होती है कि उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। टेम्परेचर जिस भी चीज़ का बढ़ेगा उस चीज़ की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं रह सकते, इसीलिए वो नॉन ओहमिक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो इस चैप्टर के एंड पे मौजूद है। फिर इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपने ओहम्स लॉ में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को इंक्लूड नहीं करना, उससे ऊपर ऊपर तक आप इसको डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे जहाँ जहाँ डायग्राम्स बनी हुई हैं। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इसमें आपने देखा कि रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन के बाद रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ बढ़ जाए रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ कम हो जाए रेजिस्टेंस कम हो जाती है, एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्स है, और साथ में एक फैक्टर स्टडी किया जिसको हम कह रहे थे रेजिस्टिविटी। हमने यहाँ इस टॉपिक में ये देखा था कि रेजिस्टिविटी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है एक मटीरियल के लिए। जैसे अगर मैं सिल्वर का मटेरियल यूज करूं और सिल्वर के लिए हम रेजिस्टिविटी, कोई भी एक छोटा टुकड़ा काट लें सिल्वर का, तो उस टुकड़े की रेजिस्टिविटी
कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर मैं उस टुकड़े को जिसकी लेंथ कोई आप अज्यूम कर लें पहले 1 मीटर थी, उसके बाद अगर हम उसको 2 मीटर पे ले जाएं, तो उसकी लेंथ क्योंकि चेंज कर दिया आपने, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टिविटी का ताल्लुक इन चीज़ों पे नहीं है। फिर हमने देखा कि कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कोई चीज़ रेजिस्टेंस में कमी शो कर रही है तो वो कंडक्टर है, कंडक्टेंस शो करेगी। और कंडक्टिविटी क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस देखे थे हमने, मोहो और साइमन। कंडक्टिविटी के SI यूनिट्स देखे थे, पर ओम पर मीटर या मोह पर मीटर। तो ये हमारे पास यहाँ तक इस टॉपिक को आपने स्टडी करना है। अगर ये टॉपिक लॉन्ग में आता है तो आप इसको यहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी था, यानी कि आपने कंप्लीट टॉपिक मेंशन करना है। साइड पे एक डायग्राम है, ग्राफ है, आप वो भी ड्रॉ करेंगे। इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। जिसमें हमने ये देखा था कि पावर की डिसिपेशन होती है किसी भी सेल को लगाने से, आप बेसिकली चार्जेस को एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी लेके जब सर्किट में जाते हैं तो अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस, जो कि हमने मैयर की थी कि हमारे पास फॉर्मूला होगा P = VI² R² R। ये 3 फार्मूलाज थे हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक था EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली सेल की बात है, इसमें सेल की पावर है, सेल की एनर्जी है। ये कर्तन फोर्स नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो सेल्स देते हैं चार्जेस को, और वो एनर्जी लेके सेल्स पूरे सर्किट में फ्लो करते हैं। किरचॉफ रूल्स हमने स्टडी किए, 2 रूल्स हैं किरचॉफ के। फर्स्ट रूल जो डिस्कस करता है करंट को, सेकेंड रूल जो डिस्कस करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल भी कहते हैं और नॉट रूल भी कहते हैं। सेकेंड रूल को लूप रूल भी कहा जाता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो ये कम्प्लीटली ऐसे नहीं आएगा, ये फर्स्ट रूल करके आएगा या फिर सेकेंड रूल करके आएगा, यानी आप राइट और नोट ऑन सेकेंड रूल ऐसे आ सकता है। तो आपने इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये दोनों ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बल्कि ये सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी प्रैक्टिकली आपने परफॉर्म करने हैं, इसीलिए इनको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। वीट स्टोन ब्रिज का पर्पस क्या है, इसमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। आपके पास 4 रेजिस्टेंस होंगी, 4 में से 3 आपको पता होंगी और 1 रेजिस्टेंस आपको नहीं पता। वो पता करने के लिए हम वीट स्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन दोनों प्रैक्टिकल्स में एक ये बात कॉमन है कि हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को 0 पे लेके आना है, यानी आप वीट स्टोन ब्रिज यूज करेंगे या आप पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, इन दोनों में आपने, इन दोनों प्रैक्टिकल्स में आपने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को 0 पे लेके आना है, यही इसका बेसिक पर्पज है। ये दोनों जो आपके पास प्रैक्टिकल्स हैं, वीट स्टोन ब्रिज का भी और पोटेंशियोमीटर भी। वीट स्टोन ब्रिज में आपको 4 रेजिस्टेंस दी जाएंगी, 4 में से 3 आपको पता होंगी और 1 अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। प्रैक्टिकल में आपने इस मीटर को 0 पे लेके आना है, तब तक जॉकी को मूव करना है उस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स पे जो आपके पास होगा। जॉकी को आप वहां तक मूव करेंगे जहां पे ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं हो जाती। टेंशियोमीटर में भी आपने यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और पोटेंशियोमीटर का पर्पस ये है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। ये पोटेंशियो का वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंडिकेट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम यूं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, लेकिन क्योंकि ये डिवाइसेस एक्सपेंसिव हैं, लैब वर्क के लिए ये आसान नहीं है कि हम डिजिटल वोल्टमीटर लें या फिर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जरिए इसको मेजर करें। एनालॉग वोल्टमीटर का मसला ये होता है कि वो प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं देता। प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ना सिर्फ प्रिसाइज हो बल्कि एक्सपेंसिव भी ना हो, थोड़ी चीप बजट में हमें लैब वर्क करने में आसानी हो जाए। तो लो बजट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस। इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसने अननोन ईएमएफ को भी मेजर करना होता है। तो यहाँ इस टॉपिक में जो आप स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर, उसमें आप अननोन ईएमएफ को मेजर भी करेंगे और 2 ईएमएफ्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये चीज इस प्रैक्टिकल में आपने
फाइंड करनी इसमें ज़हन में रखनी थी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ना सिर्फ ये बल्कि हम आगे जब अननोन ईएमएफ को फाइंड करते हैं जिसको हम ई एक्स का नेम देते हैं, जब हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम इसको वीकनेस भी कर देते हैं, यानी हमारे पास फॉर्मूला बनता है फिर ई जो एक ईएमएफ आपको पता है लेंथ डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है पोटेंशियोमीटर में जो हम यूज करते हैं। इस चैप्टर के ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किए वो तमाम टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस ना सिर्फ इस चैप्टर के अंदर से आएंगे बल्कि इसके एंड पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं वो भी आपने याद करने हैं। अच्छे तरीके से आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं, लेकिन कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 7। इसके अलावा थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स 4 एंड 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आपने एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करने हैं, वो ऐसे प्रिपेयर होंगे कि जब आप इन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कंसेप्चुअली तो वहीं से आप एमसीक्यूज भी प्रिपेयर कर पाएंगे। मज़ीद आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं 1 to onwards, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके आई थिंक 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। और इसके अलावा आपने जो इसके अंदर चैप्टर के अंदर हेडिंग्स हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं हुई वो सारी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है।